आप चाहे साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं, या कार से, या हो सकता है कि बैलगाड़ी से भी यात्रा करने का अनुभव मिला हो, हर प्रकार की ऐसी यात्राओं में जब मैं कोई एक दूरी तय कर लेता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा यह प्रश्न आता है कि हम जिस डिवाइस से, हमने जिस व्हीकल का यूज करके, जिस व्हीकल का प्रयोग करके इस यात्रा को पूर्ण किया है, उसके पहिए ने इस यात्रा के दौरान कुल कितने चक्कर लगाए होंगे। चक्करों पर आधारित यह प्रश्न बीडीओ री एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। यूपी टपलसी कमीशन खास करके ऐसे प्रश्नों का चयन करता है जो लॉजिकल होते हैं, जिनमें जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स लगी हो, लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच आपको जरूर दिखता है। मैंने डीआई से संबंधित, वेन डायग्राम से संबंधित, बंदरों की बात करें, ट्रेन के रुकने चलने की बात करें, हर प्रकार के उन पैटर्न्स पर आपको कॉन्सेप्ट दिया, प्रैक्टिस भी दी, जो आपकी परीक्षा से रिलेट करता होगा। यह भी एक परीक्षा से रिलेट करने वाला ही कॉन्सेप्ट है। आप अगर इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे वीडियो को इन तक देखेंगे, तो आप इसका पैटर्न सीख पाएंगे और इस पर आधारित अगर आपको प्रश्न फेस करने को मिलेगा तो आप उसका आंसर भी करके एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे। मैं जिसकी बात कर रहा था उस पर बात करा जाए, मैंने कहा कि हम कोई भी एक सर्टेन दूरी तय करें, आप इलाहाबाद से लखनऊ जाएं, आप अपने घर से अपने कोचिंग, कॉलेज, स्कूल, कहीं पे यात्रा करें, आप साइकिल का प्रयोग करें, मोटरसाइकिल का प्रयोग करें, कार का प्रयोग करें, जैसी आपकी क्षमता हो, जैसी आपकी हैसियत हो, तो आपको जरूर यह सोचना चाहिए एक मैथमेटिकल अप्रोच से कि हमारे उस पहिए ने जो हमारी साइकिल में है, जो हमारे कार में है, जो हमारी मोटरसाइकिल में है, हमारी बैलगाड़ी में है, उसने उस यात्रा के दौरान कुल कितने चक्कर लगाए। इसके लिए पहिए का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आप किसी का भी पहिया उठा के देखें तो पहिया हमेशा एक सर्कुलर शेप में होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सर्कुलर शेप में आपने पहिए को ऑब्जर्व किया, अर्थात ये सर्कल का अप्रोच है। मतलब देखा जाए तो यह एक सर्कल है, अर्थात यह एक वृत्त है। चक्कर लगाना मतलब ये होता है कि पहिया जैसे यहां से जब चलना शुरू करे, घूमे, तो यहां से घूमकर फिर इसी जगह को एक्वायर कर ले। जैसे आप पूरे रोटेशन की बात करें तो पहिया जैसे यहां से जैसे कि चलना, चाहे इसको देखें, चाहे इसको नोटिस करें, आप किसी को भी ऑब्जर्व करें, घूमे, घूम करके इस पोजीशन पर आकर फिर से खड़ा हो, तो मतलब एक प्रकार से पहिया अपनी इसी पोजीशन को यहाँ ला करके फिर से कंप्लीट कर दे, तो उसने एक प्रकार से एक रोटेशन, एक चक्कर लगा लिया। आप समझिए, ऐसे घूम करके फिर उसी पोजीशन पर चले जाना, जो नीचे था वो नीचे सेट हो जाए, जो ऊपर था वो ऊपर सेट हो जाए, तो पहिए ने एक चक्कर लगा लिया। मैं हमेशा इसी पर बात करने चल रहा हूँ यहाँ पर, और इस पर हम लोग हमेशा कन्फ्यूज भी होते हैं कि इस एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय करी। अगर मुझे यह क्लियर हो जाए तो हमें टोटल दूरी पता है जो हम लोग किसी एक यात्रा के दौरान हम लोग डिसाइड करते हैं, हम उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कुल कितने चक्कर लगे हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ लें इन चीज़ों को समझने के लिए। यह है सर्कल। सर्कल इस प्रकार का एक 2D फिगर होता है जो कि कर्व लाइन का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसका सेंटर अपना केंद्र होता है। इसकी अपनी रेडियस होती है, जो सतह को केंद्र से मिलाती है उसको रेडियस कहते हैं। इसका डबल कर देते हैं तो डायमीटर होता है, जिसको आप व्यास कहते हैं। आप इसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और यह व्यास हमेशा 2 × रेडियस के बराबर होता है। जब पहिया एक पूरा चक्कर लगा लेता है, अर्थात यहां से यहां तक पूरा घूम लेता है, इस चक्कर के दौरान पूरी तय की गई दूरी को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। जैसे कभी आप नोटिस करिए, अभी आप पहिए को दिमाग से निकाल दीजिए, अगर कहीं वृत्ताकार मैदान है, कभी कभी आपने देखा होगा किसी पार्क गार्डन में ऐसे फव्वारा लगा होता है, यहाँ पर फव्वारा चलता है, ऐसे सड़क बनाई होती है, इस पर लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, तो ये जो तय की गई दूरी होती है एक चक्कर में जो कंप्लीट होती है, वह पहिए की सर्कमफेरेंस अर्थात परिधि कहलाती है। और यह परिधि कैलकुलेट करने का तरीका होता है 2 × π × r। r जहाँ पे उस वृत्त की त्रिज्या है, पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि इस तरह के सर्कुलर अप्रोच पे अप्लाई की जाती है, जिसका वास्तविक मान रियल वैल्यू 22/7 होता है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू उसकी 3.14 हम लोग यूज करते हैं, लेकिन तब जब कहा जाए। अब हमने आपको बताया कि एक पॉइंट आप यहां से कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्या कि पहिए द्वारा, एक पॉइंट करिए कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, अगर पहिया एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो वह अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता, अर्थात पहिए की परिधि होगी। आप ऐसे समझिए कि अगर यह टायर हमारा नायलान का है, टायर है, रबड़ का है, आप उसको बीच से काट के ऐसे फैला दें, मतलब सर्कुलर शेप को पूरा ऐसे सीधा कर दें, तो जो कंप्लीट लेंथ होती है वही एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है,
वही उस सर्कल का परिधि कहलाती है, उस सर्कल की परिधि कहलाती है। अब हमको कंफर्म हो गया कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, ये कंफर्म हो गया। हम जिस व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, जिस बैलगाड़ी में बैठे हैं, जिस साइकिल को चला रहे हैं, अगर मान लो उसकी परिधि, उसकी रेडियस आपको पता है, ये रेडियस कन्फर्म है आपको, यह दूरी क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक जो आप जा रहे हैं, ए स्थान से बी स्थान तक, एक शहर से दूसरे शहर तक, हमसे पूछा गया कि इस पहिए ने जिसकी रेडियस इतनी थी, इस पूरी दूरी को तय करने में कुल कितने चक्कर लगाए, यानी चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, कुल कितने चक्कर लगाए। मान लीजिए यह दूरी आपकी डी थी, यहां से यहां तक की यह दूरी कितनी थी, डी थी, पहिए की रेडियस आर थी। अगर हमसे चक्करों की संख्या आप पूछेंगे तो हम चक्करों की संख्या को लिए कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बटा पहिए की परिधि, पहिए की परिधि मतलब पहिया एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है, जो उसकी परिधि होती है, वह भाग करता है कुल दूरी को। मतलब आपने इस टोटल डिस्टेंस की बात करी कि यहां से यहां तक की डी दूरी थी, अब यह पहिया घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के इस सर्टेन डिस्टेंस को कवर करेगा, हर एक रोटेशन में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो उस परिधि से अगर हम कुल दूरी को डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि पहिया कितने चक्कर उस यात्रा के दौरान लगाएगा। आप हमें बैठा दीजिए बस में, ठीक है, कह दीजिए कि इलाहाबाद से लखनऊ जाइए, हम जाएंगे, बस वाला मुझे बस इतना बता दे, और हम नाप भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं, बस छोड़ के थोड़ी चली जाएगी, कि पहिए की परिधि क्या है। मैं बता दूंगा कि इलाहाबाद से लखनऊ तक उस बस के पहिए ने कुल कितने चक्कर तक, कुल कितने चक्कर से लगाए, हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी क्लियर है और पहिए की हमें त्रिज्या पता है, तो हम पहिए की परिधि निकाल देंगे, और पहिए की परिधि से हम उस कुल दूरी को जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा चक्करों की संख्या। एक बात बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, अक्सर दूरियां किलोमीटर में होती हैं, मीटर में भी रहेंगी, ऐसा नहीं किलोमीटर में रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर दूरियां किलोमीटर में होती हैं और रेडियस सेंटीमीटर में रहता है, मीटर में भी नहीं, कभी कभी तो मिलीमीटर में रहता है, सेंटीमीटर में रहता है। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि आपको किलोमीटर से सेंटीमीटर पहुँचना, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन आपका क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर, अब आप 3 और 2 मिला दे 50, 50 सेंटीमीटर होता है। तो आप किलोमीटर से मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर सके, मीटर सेंटीमीटर से किलोमीटर का कन्वर्जन कर सके, अगर ऐसा सब कुछ कर लेंगे तो आपको यह प्रश्न कभी प्रॉब्लम दे ही नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कभी भी किसी यात्रा के दौरान आपको डिसाइड करना है कि कुल कितने चक्कर लगे उस पहिए की, जिस पहिए का यूज उस गाड़ी में किया गया है, बैलगाड़ी में किया गया है, साइकिल में किया गया है, कार में किया गया, मोटरसाइकिल में किया गया है, आपको इसको पता करने के लिए 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है, कुल दूरी और पहिए की त्रिज्या। पहिए की त्रिज्या ब्यास देगी, ब्यास सॉरी पहिए की त्रिज्या ब्यास तो देगी बट परिधि चाहिए, क्योंकि एक परिधि मतलब परिधि पहिए की जो होती है वही एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है, टोटल दूरी डिवाइडेड बाई पहिए की परिधि, आंसर आ गया कितने चक्कर लगे थे। प्रश्नों को करिए, वीडियो और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और निश्चित तौर पे जब आपको ऐसे प्रश्न फेस करने को दिखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे अगर आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा है। छोटे से प्रश्न होते हैं, सीख लिया तो आसान है, एक नंबर आपका है, नहीं सीख पाए तो औरों की तुलना में आप पीछे हट जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ख्याल करिए कि ऐसी चीज़ें अगर आपके सामने होगी, आपके साथ होगी, तो अच्छा भी लगेगा अगर अच्छा करके आए हैं, बुरा भी लगेगा अगर खराब करके आए हैं। तो क्यों बुरा करें, अच्छे से सीख लें और ऐसे सारे प्रश्नों को आप एग्जाम में हल करके आए। एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। अब एक पहिया एक चक्कर में अगर 1100 सेंटीमीटर दूरी तय करता है तो इट्स अ परिधि, यह उस पहिए की क्या है, परिधि है। मैंने आपसे बताया एक चक्कर में पहिए के द्वारा तय की गई दूरी पहिए की परिधि होती है। पहिए का ब्यास क्या है, बहुत बढ़िया, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें कहीं चक्कर और सब की बात ही नहीं आई। आप ये पहिया है, पहिए की परिधि हमको पता है, मैंने आपसे कहा था कि परिधि जो सी होती है वह 2πr होती है, और इस सी का मान आपको 1100 दे रखा है, 1100 सेंटीमीटर। हमको निकालना है पहिए का ब्यास, डायामीटर, मैंने आपको डायामीटर के बारे में बताया 2 × रेडियस होता है। आप त्रिज्या निकाल के डबल कर दो, ठीक है, त्रिज्या निकाल के डबल कर दे, आपको ऑटोमेटिकली व्यास पता चल जाएगा।
दो गुड़े 22/7, मैंने कहा पाई का मान 22/7 होता है, गुड़े आर। वैसे भी जानिए कि 2 × r ही d होता है, तो आप जरूरत पड़ नहीं है कि यहाँ r निकालें, यहाँ 2r को ही हम कैलकुलेट करें, इसी से हम कैंसिल करें। मतलब आप ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 × r × 22/7 बराबर 1100। आप यहाँ का मान थोड़ा सा 2 × r को साथ में रख लें क्योंकि यही आपका d है, तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, हमें 2 को भी डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैंसिल करिए, आप एक कैंसिल का तरीका, मतलब 7 मल्टीप्लाइड होगा 22 भाग करेगा, तो आप क्रॉस भी कर सकते थे, मतलब डायरेक्ट ऊपर ऊपर का कैंसिलेशन, 1100 बार, 11 × 2 = 22, 2 से कैंसिल करा 50, 50 को 7 से गुणा किया तो 2r, मतलब जो d है वो आपका 350 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। आपको देखिए कहीं नहीं लिखा था कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, मतलब कहीं परिधि नहीं दिया था, व्यास दिया था, हमसे बताया था कि एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय करता है। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी ही पहिए की परिधि होती है, तो परिधि का फार्मूला क्लियर हो, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, तो आप व्यास, रेडियस, एरिया कुछ भी कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, कोई पहिया 8.8 किलोमीटर, ये है 8.8 किलोमीटर की दूरी, ए स्थान ए, स्थान बी, 8.8 किलोमीटर की टोटल दूरी है, ध्यान से देखिएगा, को पूरा करने में 4000 बार घूमता है, मतलब यह चक्करों की संख्या है, यह संख्या है किसकी, चक्कर की, इतनी बार घूमा, 4000 बार घूमा, तो हमसे पहिए का व्यास पूछ रहा है, पहिए का व्यास हमसे डायमीटर पूछ रहा है, आराम से आप कर सकते हैं। ये टोटल दूरी है जिसको तय किया उसने, और चक्कर कितने लगाए, n बराबर 4000। मैंने आपको बताया कि दो चीजें आप दिमाग में रखिए, चक्करों की संख्या बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई परिधि, यही बताया है मैंने आप लोगों को। अब चक्करों की संख्या 4000 अपने को पता है और टोटल डिस्टेंस 8.8 पता है, पहिए की हम यहाँ पर परिधि लिख रहे हैं, तो यहाँ से भैया आपको पहिए की परिधि क्लियर हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा समीकरण सेट कर ले, इसको उधर कर दें और इसको इधर कर दें, तो हो जाएगा 8.8 डिवाइड बाई 4000। ए लेकिन ध्यान रखिए किलोमीटर है, और पहिए का जो मान है देखिए लगभग सबका सेंटीमीटर में आया, तो हम भी कोशिश करेंगे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। मैंने अभी शुरू में एक कन्वर्जन बताया कि 1 किलोमीटर जो होता है वह 1000 मीटर होता है, 1 मीटर जो होता है वह 100 सेंटीमीटर होता है, तो ज़रूरत पड़े तो 1 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 3 जीरो फिर 2 जीरो इतने सेंटीमीटर होगा, तो आप इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 8.8 गुणे 3 जीरो फिर 2 जीरो डिवाइड बाई 4000। इसका 3 जीरो इसको ख़त्म करेगा, या इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मान क्या होगा पता है, 88 के बाद 2 जीरो, 1 दशमलव से चला जाएगा, नीचे अभी अपना 4 बचा है, 4 इसको जब भाग करेगा तो इसका मान आ रहा है 220, 220 सेंटीमीटर बटे परिधि है, क्या है, परिधि है। अभी फिर वही पुराना क्वेश्चन बन गया जो हम लोगों ने किया था, वहाँ परिधि पता था, व्यास निकालना था, सेम यहाँ पर पहुँच कर हम कर पाएंगे क्योंकि परिधि आपको 220 क्लियर हो चुका है ए, और आपको निकालना है व्यास, तो परिधि मतलब 2πr बराबर 220। मेरे को 2r ही तो कैलकुलेट करना है, यही आपका व्यास होता है, व्यास आपका 2r होता है, लिखिए 2r × 22/7 बराबर 220, 22 दहम में 220, और 2r का मान 7 से गुणा कर दीजिए तो 2r बराबर 10 × 70, 70 सेंटीमीटर यहाँ पर पहिए की क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। रेडियस पूछा होता तो इसी का आधा होता जो 35 हो जाता, कुछ लोग कन्फ्यूजन में आकर के इसको 2 से भाग कर देंगे, लेकिन आपको पता है यही 2r ही d होता है, तो हमको d कैलकुलेट करना था, डायरेक्टली मैंने 2r फाइन कर दिया। तो पूछिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, पहिए का व्यास बताना है अर्थात हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो पीछे का जो प्रश्न था वहाँ से शुरू था जहाँ पे मैंने इस स्विच को अचीव किया, हमको इसमें टोटल डिस्टेंस पता था, नंबर ऑफ चक्कर्स पता थे, तो टोटल डिस्टेंस और नंबर ऑफ चक्कर का यूज करके हम लोगों ने पहिए की परिधि निकाली, पहिए की परिधि से हमने पहिए का व्यास कैलकुलेट कर लिया। तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपके सामने कितना है, बोले 70 सेंटीमीटर है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के कार का पहिया प्रत्येक 30 सेकेंड में 140 चक्कर लगाता है, कितना, अब देखिए एक हमारे पास कार है जिसका पहिया, पहिए की त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर, कार है, कार के पहिए की त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर है, प्रत्येक 30 सेकंड में, हर 30 सेकंड में 140 चक्कर लगाता है,
30 सेकंड में 140 चक्कर लगाता है, सोचिए, मतलब जल्दी 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 30 सेकंड में 140 चक्कर घूम लेता है। कार की गति पूछ रहा है, बढ़िया, आराम से हम बता सकते हैं। गति मतलब स्पीड, गति मतलब स्पीड, और स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। अगर ये हमको क्लियर है तो हम बता सकते हैं कि उस कार की या किसी की गति क्या है। जैसे आप किसी यात्रा को तय करें, 500 किलोमीटर की दूरी है, 200 किलोमीटर की दूरी है, 5 घंटे में तय कर रहे हैं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे, अर्थात 1 घंटे में हम इतने किलोमीटर जा रहे हैं। यहाँ पर वो मीटर पर सेकेंड में दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भी कन्वर्जन ईजिली कर सकते हैं। पहले देखो हो क्या रहा है, 30 सेंटीमीटर का पहिया है, उसकी परिधि है, 30 सेकंड में 140 चक्कर लगा रहा है, 30 सेकंड में 140 चक्कर लगा रहा है, तो हम बता दे 30 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है। बोलिए, एक चक्कर में जो दूरी तय होती है वो पहिए की क्या होती है, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी होती है पहिए की परिधि, और यहां पर भैया कितने चक्कर है, 140 है। तो परिधि को अगर 140 से हम गुणा कर दें, भाई आपने कहा है कि 140 चक्कर, एक चक्कर मतलब परिधि, परिधि पता है नहीं, लेकिन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को टोटल डिस्टेंस चाहिए, कुल दूरी चाहिए, कुल समय हमको दे रखा है 30 सेकंड, 30 सेकंड में वह दूरी कितनी तय कर रहा है यही हम करने जा रहे हैं। 140 चक्कर लगाया, एक चक्कर में कितना तय करता है, पहिए की परिधि के बराबर, एक चक्कर में जो दूरी तय होगी वह पहिए की परिधि होगी, और परिधि कैसे निकालेंगे, 2πr, 2 × 22/7 × r, r मतलब 30, ये हो गई टोटल दूरी जो कि एक चक्कर में तय हो रही है, और चक्कर कितने हैं, 140, 140 चक्कर में 140 × 2 × 22/7 × 30, देखिए 7 से इसको कैंसिल कर दे, 20 हो गया, तो अपने पास टोटल डिस्टेंस जो आ रही है वो कितनी आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है, तो आप इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि मीटर पर सेकंड की बात है, आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कभी अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, मीटर को करना है तो 100 से गुणा करना होगा, तो आप अगर यहीं पे 100 से इसको भाग कर देते हैं तो यह आपका मीटर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में भी मीटर पर सेकंड आया है, तो बढ़िया रहता है, 1 शून्य चला गया और 1 जीरो इससे चला गया। अब 30 सेकंड में दूरी में बता दूं कितना हो गया, 2 × 2 × 22 × 3, इतनी दूरी 30 सेकंड में तय हुई है, इतनी दूरी, ये है आपकी मीटर। लेकिन आपने देखिए कैसे किया, एक चक्कर में इतनी दूरी, 140 चक्कर में 140 से गुणा किया, 140 से जब हमने गुणा किया तो 7 भी सब में कैंसिल कर दिया, बटे सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से भाग किया, काट पीट के इतनी दूरी आई जो 30 सेकंड में तय हो रही है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है। स्पीड क्या होती, बोले कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, तो 2 × 2 × 22 × 3 / 30 कन्फर्म है, बिल्कुल मीटर पर सेकंड, ये मीटर है और ये सेकंड है, अब इनमें से कौन ऑप्शन मैच करेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 दहम में 30 होता है, 22 चौके 88 होता है, 88/10 मतलब 8.8 मीटर पर सेकंड, जो देखिए सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो मतलब स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो नहीं पता है बट इसने बताया, अच्छा टाइम दिया था 30 सेकंड, 140 चक्कर, अब मुझे टाइम तो कन्फर्म था, डिस्टेंस में चक्कर पता थे, बस एक चक्कर में, जैसे कहते ना कि हम एक बार घूमते हैं, नहीं 10 बार घूमते हैं, तो पहले मैं पूछूं भैया कितना दूरी तय करते हो, कहेंगे सर पहले ये बताओ एक चक्कर में हम कितना चलते हैं, एक चक्कर में जितना आप चलोगे उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी आपकी काउंटिंग हो रही, जितने आप चक्कर घूम रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब एक चक्कर की दूरी पता करना है तो पहिए की परिधि पे जाना पड़ेगा, तो पहिए की परिधि को 140 से गुणा किया तो टोटल डिस्टेंस आया, टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, और आपको थोड़ा बहुत कन्वर्जन पे ध्यान देना पड़ेगा, होप सो क्लियर हुआ होगा। चौथा क्वेश्चन, एक कार की गति है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वह 1 घंटे में 72 किलोमीटर की गति से कार मूव कर रही, चल रही है, इसके पहियों की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, इसके पहियों की मतलब प्रत्येक पहियों की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो यह 22 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी, 22 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी, आइए हम आपको बताते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर पुराना प्रश्न देखा जाए तो इसी से रिलेट है, बस चीजें ऊपर नीचे हैं, इधर उधर है। सबसे पहले इसकी स्पीड, स्पीड जो लिखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है,
आप इसको मीटर पर सेकंड में कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें देखिए सेंटीमीटर और इन्हीं सब में कैलकुलेटेड हैं, तो हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बता दें। कभी भी अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और उसको मैं मीटर पर सेकंड में लिखना चाहता हूँ, तो 5/18 से गुणा करा करें, और अगर मीटर पर सेकंड है किलोमीटर प्रति घंटे में करना है तो 18/5 से करें। तो आप जैसे ही इसको 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौके 72, 4 पंचे 20, यह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 20 मीटर की दूरी वह कार का पहिया तय करेगा। ये उसकी, जैसे वहाँ पे कहा था ना कि एक घंटे में 72 किलोमीटर चले, इससे बढ़िया है कि वही चीज़ को अगर हम समझें एक सेकंड में 20 मीटर जाए। कन्फर्म इतनी बातें? अब कहा है कि पहिए की त्रिज्या आपको दिया है, ये जो पहिया है उसकी त्रिज्या 35 है। इसने कहा कि 22 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा, 22 सेकंड में कितनी दूरी या कितने चक्कर लगाएगा 22 सेकंड में। यहां पे क्या है कि एक सेकंड में 20 मीटर, 22 सेकंड में कितना दूरी बताएं, बोलिए इसका सेंस क्या है कि 20 मीटर एक सेकंड में। तो हम पहले पता करना चाहते हैं कि 22 सेकंड में वह कितने चक्कर लगाएगा, तो पहले बताओ कि 22 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। चक्करों की संख्या क्या होती है, चक्करों की संख्या क्या होती बोलिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही होता है। तो दूरी तो पता करो, कहा गया 72 किलोमीटर एक घंटे में जाते हैं, इसका मतलब एक सेकंड में 20 मीटर जाते हैं। जब एक सेकंड में आप 20 मीटर जाते हो तो 22 सेकंड में देखो कितना जाओगे, 22 × 44 440 मीटर जाएंगे। 22 सेकंड में कितना जाएंगे, 440 मीटर। 440 मीटर भैया अपनी दूरी हो गई है, हाँ टाइम कितना 22 सेकंड, क्योंकि हमको टाइम पता है, हमको निकालना है चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या निकालना है तो मतलब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जो होता है कुल दूरी टोटल दूरी और बटा कुल समय। लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको क्या डिसाइड करना है कितने चक्कर लगेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना। जैसे हमको ये बताना है कि भाई हमें चक्करों की संख्या बतानी है, चक्करों की संख्या कुल दूरी होती है बटा कुल समय होता है। ये कन्फर्म है कि हम 22 सेकंड में 440 मीटर जाएंगे, 22 सेकंड में 440 मीटर जाएंगे, बट हमको अगर पहिए की, जैसे चक्करों की संख्या बतानी है, तो चक्करों की संख्या किस पर निर्भर करती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई पहिए की परिधि पर निर्भर करती है। यहाँ पर टाइम अलग चीज है। अब पहिए की परिधि क्या होगी, पहिए की परिधि होगी 2πr, 2 × 22/7 गुणे आप 35 करो, क्योंकि यहाँ पर 35 सेंटीमीटर है उसकी परिधि। तो आप इसको काटेंगे, 7 × 5 = 35 और 5 × 2 = 10, 220, 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर इसकी परिधि होगी। चक्करों की संख्या क्या होती है, टोटल डिस्टेंस जो कि है 440 मीटर और इधर है 220 सेंटीमीटर। तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको 100 से गुणा कर दीजिए, पहली चीज, 1 शून्य खत्म, 22 × 44 होता है 200, कुल चक्कर यहाँ पर 200 लगेंगे। देखिए चक्करों की संख्या कितनी हो गई, 200। एक बार फिर कन्फर्म करिए, देखिए ये सब छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं, एक प्रश्न को समझाने में समय लेने का मतलब है कई चीज़ों को क्लियर करना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कई चीज़ें क्लियर हो जाए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल है, मैंने कहा कि एक सेकंड में 20 मीटर, पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 22 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। तो पहली चीज, 22 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, 440। चक्करों की संख्या क्या होती है, कुल दूरी बटा पहिए की परिधि। परिधि कौन देगा, ये देगा, कितनी है 35 से निकालो, 220 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 440, लेकिन वो मीटर में है सेंटीमीटर के लिए, क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में है, 220 से भाग किया, आंसर आ गया आपके सामने 200। तो राइट सोल्यूशन आपका 200 है। पांचवा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, उसको कंप्लीट करिए। पांचवा क्वेश्चन, एक कार के पहिए प्रत्येक 80 सेंटीमीटर ब्यास के हैं। देखो अगर 80 सेंटीमीटर ब्यास के हैं तो उसकी रेडियस 40 होगी। रेडियस क्या होगी, 40। जब कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या गति से चलती है तो प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, हमको चक्करों की संख्या बतानी है। क्लियर है आपको, जो है पहली चीज बताना है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड है, अर्थात आपको ये क्लियर हुआ कि एक घंटे में 66 किलोमीटर जाती है। हमको मिनट की बात करनी है, 10 मिनट की बात करनी है। हम इसका मतलब जानते हैं कि एक घंटा जो होता है वह आपका 60 मिनट के बराबर होता है ना, 60 मिनट के बराबर होता है, मेरी बात को समझिएगा।
अगर 1 घंटे 60 मिनट के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर जा रही है। 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना जाएगी पता है? 10, इसको काट के 11 किलोमीटर जाएगी। 10 मिनट में 11 किलोमीटर की यात्रा तय होगी। हमसे पूछा है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी। अब आप चक्करों की संख्या पे आ जाओ, आपका काम हो चुका है। चक्करों की संख्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन परिधि। तो टोटल डिस्टेंस भैया हमको 10 मिनट का पता चल गया है, 11 किलोमीटर। बोलिए कैसे? क्योंकि 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में, जब 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में 11 किलोमीटर, हर 10 मिनट में 11 किलोमीटर चलती है। तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय हो गई है? 10 मिनट में 11 किलोमीटर की दूरी हमको क्लियर है, ठीक है, 11 किलोमीटर। बट पहिए की परिधि क्या है? 40 सेंटीमीटर है, परिधि नहीं, रेडियस। तो परिधि क्या होगी बोले? परिधि होगी 2 × 22/7 × 40, ये होगी पहिए की परिधि। हमको करना क्या है? चक्करों की संख्या निकालनी है, तो 11 किलोमीटर को 2 × 22/7 × 40 से डिवाइड करो। लेकिन आप पहली चीज समझो, ये सेंटीमीटर है और यह किलोमीटर है। आप पहले इस 11 के सामने 5 जीरो पुट करिए। क्यों? हमने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर बराबर 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर होता है। तो आप 5 जीरो पुट करिए, सेंटीमीटर हो गया। 7 जो नीचे है ऊपर जाएगा, बाकी यहीं रह जाएंगे। 2 × 22 × 40, अब काटिए पीटिए, जो पॉसिबल हो देखिए आंसर आ जाएगा। 1 शून्य तो ऐसे ही खत्म कर दें, ठीक है। और फिर देखें 11 से, 11 दहम में 11 × 11, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 11 × 2 = 22। 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, ठीक है। या हम 4 से पहले डिवाइड कर दें, फिर 4 से कर दिया, 16 से डायरेक्टली करिए, 16 × 6 = 96, 4 जीरो, 16 × 2 = 32, 16 × 5 = 80, इतना हो गया 625। एक बार काट के फिर से चेक कर लीजिए, आप लोगों के सामने चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई भी करना है। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 16, 16 × 6 = 96, 4 जीरो, 16 × 2 = 32, 8 जीरो, 16 × 5 = 80, और इसी को 7 से बस गुणा कर दो, 7 × 5 = 35। 1 जीरो खत्म हो गया था ना, हम 1 एक्स्ट्रा लिख रहे हैं इसलिए गड़बड़ हो रहा है। देखो 1 खत्म हो गया था और मैं बार बार उसको लिख रहा था। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 3 = 17, 7 × 6 = 42, 42 × 1 = 43, 4375। इतने चक्कर लगेंगे, ठीक है, इतने चक्कर लगेंगे, 4375 राइट सोल्यूशन है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। पहिए के चक्कर को लेकर के मेरा यह कॉन्सेप्ट आपको, मुझे लगता है कि क्लियर कर दिया होगा इस तरह का अप्रोच। और यह अप्रोच वास्तव में जरूरी था आपके एग्जाम के लिए। कोशिश करिए कि पूरे वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें, सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, प्रश्न ऐसे 2-3 और हल कर लें, जरूर हल कर लें। ये हमारा आपको सजेशन भी है और हमारी तरफ से एक आपके लिए फीडबैक भी है कि आप अगर करे रहोगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी मेरा प्रयास आपको दिखेगा, लगातार हम वीडियो देंगे, आपको कंटेंट देंगे, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस जितनी भी आवश्यकता होगी हम आपको देते रहेंगे। अभी भी आप अपने फीडबैक सुझाव हमें कमेंट में प्रेषित कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन किए रहे, जिससे कि मैथ्स रिलेटेड कनेक्टिविटी हम आपस में बना सके। बाकी आपके फीडबैक का, आपके सजेशंस का मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।